हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग एनटीसी, यहाँ जो दिख रहे हैं आप, एक कंपोनेंट है जिसको एनटीसी बोलते हैं और यहाँ एक कंपोनेंट लगा हुआ है जिसको पीटीसी बोलते हैं। तो एनटीसी और पीटीसी के बारे में जानेंगे कि एनटीसी और पीटीसी का क्या काम होता है, इसको पावर सप्लाई में क्यों लगाते हैं। मुख्य रूप से इनका प्रयोग पावर सप्लाई में किया जाता है। तो टेलीविजन सेट के जो पावर सप्लाई में जो एनटीसी और पीटीसी लगा होता है, ये जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ जो एनटीसी है, इसका पूरा नाम होता है निगेटिव टेम्परेचर कोऑफिशिएंट रेजिस्टेंस। ये एक विशेष प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है लगे हुए इस प्रकार का जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन ये कार्बन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अनेकों टाइप के होते हैं। तो यहाँ जो लगा हुआ है, ये जो है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट रेजिस्टेंस होता है, जो कि टेम्परेचर के आधार पर अपने वैल्यू को चेंज करने का काम करता है। और जबकि यहाँ जो लगा हुआ है जो पीटीसी है, ये भी जो है आपका क्या होता है कि इसका पूरा नाम होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट रेजिस्टेंस। दोनों एक विशेष प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं जो कि टेम्परेचर के आधार पर अपने वैल्यू को चेंज करते हैं। इसको हम लोग थर्मिस्टर के भी नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है, यानी कि एनटीसी जो है, और यहाँ जो लगा हुआ है जो पीटीसी है, ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट काम करते हैं, विपरीत काम करते हैं। ये जो जो आपका जो है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट रेजिस्टेंस है, जब तापमान यानी कि टेम्परेचर जब जैसे जैसे इसको ज़्यादा देते हैं, इसका वैल्यू घटता है। जबकि यह जो रेजिस्टेंस है, जब इसको तापमान जब बढ़ाया जाता है, जब इसको तापमान जैसे जैसे ज़्यादा दिया जाता है, वैसे वैसे इसका वैल्यू जो है बढ़ता है। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे हाई करते हैं तो इसका वैल्यू लो होता है, और जब इसमें हाई करेंगे तो इसका वैल्यू भी हाई होता है। यानी कि इस पर जब टेम्परेचर जब हाई करेंगे तो इसका वैल्यू हाई होगा, इसका जब टेम्परेचर हाई करते हैं यानी कि वैल्यू जब टेम्परेचर का जो वैल्यू को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब ज़्यादा देते हैं, तो ये जो है वैल्यू इसका जो है घटने लगता है। तो इसको क्यों लगाते हैं पावर सप्लाई में? तो देखिएगा कि जो पीटीसी होता है, पहले हम लोग पीटीसी के बारे में जानते हैं, उसके बाद एनटीसी के बारे में जानेंगे। तो पीटीसी का काम क्या होता है कि यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई जो टेलीविजन सेट में देते हैं। पीटीसी आप देखिएगा कि लोकल टेलीविजन सेट में आमतौर पर इस प्रकार का लगा होता है, लेकिन एलजी और सैमसंग का टेलीविजन सेट में आप देखेंगे कि पीटीसी कुछ अलग ढंग का लगा होता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ जो है एक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है जिसको हम लोग पीटीसी बोलते हैं। तो इस प्रकार का भी पीटीसी होता है, और साथ ही साथ जो है इस प्रकार का ये जो है पीटीसी है, तो इस प्रकार का पीटीसी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आमतौर पर जो लोकल टेलीविजन सेट होता है उसमें यह पीटीसी इस प्रकार का लगा होता है। पीटीसी का काम क्या है कि यहाँ जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं, वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई क्या होता है कि यहाँ से हम एक फ्यूज के द्वारा और चला जाता है लाइन ट्रांसफार्मर को देते हैं सप्लाई। 220 वोल्ट एसी सप्लाई एक फ्यूज से होते हुए लाइन ट्रांसफार्मर को देते हैं। लाइन ट्रांसफार्मर के इनपुट में जब जाता है तो आउटपुट से निकलता है, और आउटपुट से निकलने के बाद वही एसी 220 वोल्ट की सप्लाई क्या होता है कि एक सप्लाई जो है यहाँ जो है आपको डिकोसिंग कॉइल का कनेक्शन करते हैं। पिक्चर ट्यूब के आप देखिएगा कि बॉडी के ऊपर एक कॉइल लगाया जाता है जिसको डिकोसिंग कॉइल कहते हैं, जो कि क्या करता है कि पिक्चर ट्यूब को डीमैग्नेटाइज करने का काम करता है। पिक्चर ट्यूब को मैग्नेटाइज इसलिए करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पिक्चर ट्यूब के आसपास कोई जो है मैग्नेट वगैरह जो है रख देने से क्या हो जाता है कि पिक्चर ट्यूब का बॉडी जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन के साइड में, किसी भी जो है पिक्चर ट्यूब के जो है स्क्रीन के किसी साइड में आप देखेंगे कि लाल हरा नीला रंग का धब्बा आ सकता है। तो लाल हरा नीला धब्बा को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि 220 वोल्ट की सप्लाई जो है फ्यूज से होते हुए, लाइन ट्रांसफार्मर से होते हुए, और एक सप्लाई डायरेक्ट यहाँ चलाता है, और एक सप्लाई जो है पीटीसी से होते हुए यहाँ चला जाता है। और यही सप्लाई लेकर के डिकोसिंग कॉइल जो कि पिक्चर ट्यूब के बॉडी पर लगा होता है, डिकोसिंग कॉइल को देते हैं। और जैसी डिकोसिंग कॉइल को जब यह सप्लाई जो मिलता है 220 वोल्ट की सप्लाई, तो क्या होता है कि पिक्चर ट्यूब का बॉडी के ऊपर एक जो है हाई पावर का जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जिससे जो है आपका जितना भी जो है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो बना हुआ होता है, जो पिक्चर डीमैग्नेटाइज रहता है, वो जो है डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे क्या चीज़ कि क्या यह पीटीसी सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके जानने के लिए बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसको जाँच करना है कि यह जो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी हम लोग जाने कि यह जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे इसका वैल्यू
बढ़ते चला जाता है। तो जब ये बढ़ेगा तो उस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर एक लोड देंगे और लोड की स्थिति में जैसे ही इसको लोड पड़ेगा तो धीरे धीरे यह गर्म होते चला जाएगा और गर्म होगा तो इसका वैल्यू जब बढ़ेगा तो यहाँ पर अगर बल्ब अगर मान लीजिए हम जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में बल्ब देखिएगा कि थोड़ा देर के बाद जलते जलते जो है आपका ऑफ हो जाएगा यानी कि बंद हो जाएगा। तो आइए जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक बल्ब ले लिए, यहाँ पर एक बॉल रखे हुए हैं और अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं तो कनेक्शन कर रहे हैं। तो सोल्डिंग आयरन के द्वारा अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर दो तार का कनेक्शन कर रहे हैं। कहाँ? तो यहाँ जो जो हम लोग जोड़ते हैं पीटीसी जो यहाँ पर जो पॉइंट बना है जहाँ डिकोसिंग कॉइल का कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी डिकोसिंग कॉइल नहीं लगा करके अब उसके स्थान पर बॉल्ब का कनेक्शन कर रहे हैं और बल्ब का कनेक्शन कर दिए। और बल्ब का कनेक्शन करने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे कि 220 वोल्ट की सप्लाई इस टेलीविज़न सेट को देंगे तो उस स्थिति में बल्ब को फुल लाइट में जलना चाहिए और थोड़ा देर के बाद इस बल्ब को धीरे धीरे बुझ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये मानेंगे कि यहाँ का लगा हुआ पीटीसी बिल्कुल सही काम कर रहा है और अगर बॉल लगातार जलता रहे तो मानेंगे कि पीटीसी शॉर्ट कर गया। पीटीसी शॉर्ट करने की स्थिति में लगातार बल्ब जलता रहेगा तो यहाँ जो है हम लोग जांच करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि पीटीसी ओपन हो जाता है तो ओपन हो जाएगा तो उस स्थिति में बल्ब बिल्कुल जलेगा ही नहीं। तो आइए 220 वोल्ट की सप्लाई इसको देते हैं और दे करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो आइए 220 वोल्ट की सप्लाई दिए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बल्ब जो है यहाँ जो है जलना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा देर के बाद देखिएगा धीरे 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 बल्ब जो है का लाइट कम होता चला जाएगा और बल्ब क्या हो गया तो बुझ गया। तो इस प्रकार से अगर बल्ब बुझ जाए तो ये मानेंगे कि पीटीसी बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये तो बल्ब को कनेक्शन करके हम लोग जो पीटीसी की जांच कर लिए। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग पीटीसी का जरूरी नहीं है कि जो है बल्ब के कनेक्शन के द्वारा ही हम लोग जाँच करेंगे, और बहुत सारे मेथड है जिसके द्वारा हम लोग जो है पीटीसी की जाँच कर सकते हैं। तो आइए बल्ब का कनेक्शन हटा दिए और हटाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है दूसरे सिस्टम से जाँच करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि अभी यह जो है पीटीसी गर्म हो गया है। तो क्यों गर्म हो गया? क्योंकि यहाँ पर अभी बल्ब का कनेक्शन किए हुए थे, बल्ब के लोड के कारण यह जो है पीटीसी गर्म हो गया और गर्म होने के कारण जो है इसका रेजिस्टेंस इसका वैल्यू हाई हो गया और हाई होने के कारण क्या हुआ कि बल्ब धीरे धीरे जो है आपका धीमा लाइट से होते हुए जो है बुझ गया। तो यही जो फाइनल यही है कि यहाँ पर अगर बल्ब का कनेक्शन कर देने पर अगर बल्ब धीरे धीरे बुझ जाए तो ये मानेंगे कि हमारा पीटीसी बिल्कुल सही काम कर रहा है। और क्या है कि 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन ट्रांसफार्मर से होते हुए एसी फ्यूज और लाइन ट्रांसफार्मर से होते हुए यहाँ पर आए अगर, और अगर ये ओपन हो जाएगा, अगर पीटीसी ओपन हो जाएगा तो बल्ब बिल्कुल ही नहीं जलेगा। तो उस स्थिति में अगर पीटीसी अगर ओपन हो जाता है तो इसको कैसे समझेंगे कि ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है? तब मल्टीमीटर के द्वारा जांच कर सकते हैं कि ओपन हुआ कि नहीं। अब अगर ओपन हो जाता है तो बल्ब जो है बिल्कुल आपको जलेगा ही नहीं, और अगर पीटीसी शॉर्ट कर जाएगा तो यहाँ का बल्ब जो है वो परमानेंट जलता रहेगा। तो परमानेंट जले तो ये मानेंगे कि पीटीसी ऑन हो गया है, सॉरी पीटीसी शॉर्ट कर गया है, और बल्ब अगर मान लिया जाए कि बिल्कुल ही नहीं जले तो ये मानेंगे कि पीटीसी ओपन हो गया है। तो पीटीसी का हम लोग मल्टीमीटर के द्वारा कैसे जांच करते हैं? तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट कर देंगे। देखिए एक मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद यहाँ पर मल्टीमीटर के दोनों प्रॉप को आपस में सटाएंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए। बीप की आवाज़ आई है। अब जो है जब पीटीसी के दोनों टर्मिनल पर हम लोग मल्टीमीटर के जब वायर को रखेंगे यानी कि प्रॉप को रखेंगे तो उस स्थिति में मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ आनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए। तो भाइये इसको देखते हैं। एक यहाँ पर रखे पीटीसी के इस टर्मिनल पर और एक इस टर्मिनल पर रख रहे हैं और रखने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको बीप की आवाज़ जो है क्या हो रही है तो आ रही है पीटीसी पर। इस प्रकार से आना चाहिए। अगर नहीं आए तो ये मानेंगे कि पीटीसी ओपन कर गया है, ओपन हो गया है। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी वैल्यू देख रहे हैं कि कितना अभी शो कर रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है लगभग है आपको 28 से लेकर के 30 के आसपास है जो है यहाँ पर शो कर रहा है। थोड़ा सा जूमिंग को करते हुए हम लोग आगे की ओर जो है और थोड़ा सा देखेंगे। तो अब देखिए पीटीसी के दोनों टर्मिनल पर अब हम क्या कर रहे हैं कि परमानेंट मल्टीमीटर के प्रॉप को रख रहे हैं और परमानेंट मल्टीमीटर के प्रॉप को रखने के बाद अब हम लोग पीटीसी का दूसरे सिस्टम से जांच करेंगे। तो दूसरे सिस्टम से कैसे जांच करेंगे? तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर के ऐसे करते हुए एक यहाँ रख दिए और एक जो है यहाँ रख दिए
और परमानेंट अब मल्टीमीटर के तार को यहाँ पर रख दिए हैं, फिट कर दिए हैं, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है परमानेंट जो है हम फिट कर दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि सोल्डरिंग आयरन के द्वारा अब इसको हम लोग हीट करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अभी बीप की आवाज़ डायरेक्ट जो है मल्टीमीटर से अभी परमानेंट आ रही है। अब जैसे जैसे हीट करेंगे तो देखिएगा कि इसका जो रेजिस्टेंस जो शो कर रहा है अभी, तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। यानी कि जब इसको गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, और कुछ देर के बाद देखिएगा बीप की आवाज़ भी मल्टीमीटर से आना बंद हो जाएगी। तो भाई इसको जो है हम लोग सोल्डरिंग आयरन के द्वारा अब इसको हीट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सोल्डरिंग आयरन को इस पर हम लोग रख रहे हैं। तो भाई इस पर हम लोग सोल्डिंग आयरन को रख दिए, तो देखिएगा कि इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखते जाइए आप मल्टीमीटर के स्क्रीन पर, आप देखेंगे ध्यान से, तब देखिए 40, अभी 50 से ऊपर चला गया। अब देखिएगा धीरे धीरे जो है क्या हो गया, तो इसका रीडिंग बढ़ते चला जा रहा है। तो देखते हैं कि इस प्रकार से जो है बढ़ते चला जाए। जैसे कैसे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सोल्डिंग आयरन के द्वारा जो है इसको हीट जब दे रहे हैं, इसका वैल्यू जो है बढ़ रहा है। और अब जैसे हटा देंगे, तो अब जैसे ही अभी हटा दिए, तो अब देखेंगे कि अब धीरे धीरे इसका वैल्यू लो होगा। अभी हाई हो गया है, तो अब देखिएगा कि अब वैल्यू धीरे धीरे लो हो रहा है। तो अब देख रहे हैं कि अब 1200 से 1100 आया, इस प्रकार से जो है 1000 से भी नीचे आ गया, और इसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो लो हो रहा है। तो इस तरीके से ऐसा अगर होता है तो ये मानेंगे कि हमारा पीटीसी बिल्कुल सही काम में कर रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि जब टेम्परेचर को जब इसको दे रहे हैं तो इसका वैल्यू हाई हो रहा है, और जब अभी इसको हटा दिए हैं तो धीरे धीरे अभी ठंडा हो रहा है, और ठंडा होने की स्थिति में इसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो लो हो रहा है। तभी देखिए वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है, और जब 50 के नीचे आएगा तो ये देखिएगा कि 50 के आसपास जब आएगा तो यहाँ पर बीप की आवाज़ भी मल्टीमीटर से आना जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, घट रहा है, घटते जाएगा, क्योंकि यह ठंडा हो रहा है, अभी गर्म था। तो देखिए इस प्रकार से अभी यह जो है बीप की आवाज़ देना है और यह वैल्यू घट रहा है। फिर जब इसको यहाँ पर सोल्डिंग आयरन रखेंगे तो देखिएगा कि फिर इसका जो है वैल्यू जो है बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से टेम्परेचर को यह सेंस करता है, और टेम्परेचर के आधार पर ही इसका वैल्यू क्या होता है, तो बदलते रहता है। जब ये इसको हीट जब ज़्यादा हीट होगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, और जब यह हीट जब इसको कम मिलेगा तो ये इसका वैल्यू जो है डाउन होता है। तो इस प्रकार से यह पीटीसी की हम लोग जो है जाँच करते हैं। और अगला है कि एनटीसी। एनटीसी ठीक इसके विपरीत काम करता है। एनटीसी कौन है, तो यहाँ जो लगा हुआ ये एनटीसी है, इसको कहते हैं निगेटिव टच कोफिशियंट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसका वैल्यू जब ये जब हीट होता है, यानी कि जब यह गर्म होता है, तो इसका वैल्यू बढ़ता है। ये जो है एनटीसी है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो ये जो है वोल्टेज को एक तरीके से स्टेबलाइज रखने का काम करता है। ये वोल्टेज को स्टेबलाइज रखने का काम करता है। तो पहले इसका जांच समझते हैं, उसके बाद जो है समझेंगे कि किस प्रकार से यह जो है पावर सप्लाई में वोल्टेज को स्टेबलाइज रखने का काम करता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए इसका हम लोग जाँच करते हैं। तो देखिए अब यह एक टर्मिनल यहाँ है और एक टर्मिनल यहाँ है, अभी रखे हुए, तो देखिए बीप की आवाज़ भी आ रही है, और साथ ही साथ देख रहे हैं कि इस पर 12 जो है लगभग यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, तो लगभग 12 के आसपास है, 12 के आसपास रेजिस्टेंस जो है यह क्या हो रहा है, तो मल्टीमीटर के मॉनिटर में शो हो रहा है। तो अभी सबसे पहले इसको परमानेंट जो है मल्टीमीटर को फिक्स कर दिए हैं, और फिक्स करने के बाद अब देखिए इसको हीट कर रहे हैं, तो ये सोल्डिंग आयरन ले लिया, हीट करेंगे, जिससे हीट करेंगे तो इसका वैल्यू और घटेगा, 1100 और घटते चला जाएगा। तो आप देखिएगा अब इसको हीट कर रहे, देखिए ये घटने चला गया, ये देखिएगा 5, 4, इसके बाद देखिए 3, इसके बाद देखिएगा 2, इसके बाद यह 1 भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे करते जाएंगे तो ये इसका वैल्यू जो है क्या होगा, तो घट रहा है। और जब इसको हटा दिया सोल्डिंग आयरन को, जब हटा दिया यहाँ से, हीट जो है इसका कम होते जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है बढ़ते चला जाएगा। तो अब देखिएगा 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, इस प्रकार से जैसे जैसे यह ठंडा होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो बढ़ेगा। तो देख रहे हैं कि 4 हो गया, कुछ देर के बाद जो है यह देखेंगे कि इसका जो है वैल्यू जो है 5 हो जाएगा और बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा वैसे इसका वैल्यू जो है, यह मल्टीमीटर के मॉनिटर पर ध्यान देंगे कि अभी 4 है, थोड़ा देर के बाद देखिएगा कि यह 5 हो जाएगा। देखिए 5 हो गया, इसी प्रकार से जो है धीरे धीरे जो है कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि यह 5 के बाद यह जो है अभी यहाँ पर रखे हुए हैं, 5 के बाद देखिएगा कि थोड़ा देर के बाद जो है यह जो 6 में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि कुछ देर के बाद यह 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9, 10, जैसे जैसे ठंडा होता चला जाएगा वैसे वैसे जो है इसका क्या होगा, तो वैल्यू बढ़ेगा, और जब जैसे जैसे गर्म होता है तो इसका वैल्यू घटता है। तो अभी देख रहे हैं कि 6 है, कुछ देर के बाद देखेंगे कि मॉनिटर के जो मल्टीमीटर का जो मॉनिटर है उस पर 7 आना स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या होता है कि जब यह हीट होता है तो इसका वैल्यू डाउन होता है, यानी वैल्यू घटता है, और जब यह हीट होता है तो इसका वैल्यू बढ़ता है। तो इसको पावर सप्लाई में क्यों लगाते हैं,
इसका क्या काम होता है। तो देखिएगा कि 220 वोल्ट की सप्लाई जो यहाँ देते हैं, तो 220 वोल्ट की सप्लाई एक एसी फ्यूज के द्वारा लाइन ट्रांसफार्मर देते हैं, और लाइन ट्रांसफार्मर से होते हुए यही सप्लाई जो है क्या होता है कि यहाँ पर एनटीसी से पास करते हुए आपको यहाँ पर चार डायोड लगे होते हैं। यहाँ देखिएगा कि चार जो है डायोड लगे होते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, और डीसी में बदलने के बाद में यही सप्लाई जो है आपको मेन फिल्टर कैपेसिटर पर चला जाता है फिल्ट्रेशन होने के लिए, और फिल्ट्रेशन होने के बाद में यही जो है सप्लाई पावर सप्लाई में चला जाता है, और इसके बाद पावर सप्लाई में जो लगा हुआ एसएम ट्रांसफार्मर होता है उसके सेकेंडरी से विभिन्न प्रकार का वोल्ट जो है आउट होते हैं, निकलते हैं। तो क्या होता है कि आपको पावर सप्लाई पर लोड जो है हमेशा घटते बढ़ते रहता है। आवाज़ अगर आप मान लीजिए कि टेलीविज़न में आवाज़ को आप ज़्यादा कर दिए, आवाज़ को कम कर दिए, या टेलीविज़न के स्क्रीन पर आने वाला लाइट को आप ज़्यादा कर दिए या कम कर दिए, तो ज़्यादा और कम करने की स्थिति में पावर सप्लाई का लोडिंग जो है क्या होता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। जो लोड होता है पावर सप्लाई को वो हमेशा चेंज होते रहता है पिक्चर के अनुसार से। मान लीजिए कि टीवी के स्क्रीन पर अगर डार्क पिक्चर आ रहा हो तो उस स्थिति में पावर सप्लाई पर लोड कम पड़ता है, और टीवी के स्क्रीन पर अगर पिक्चर जो है काफ़ी ब्राइट ही आ रहा हो, काफ़ी ब्राइट में पिक्चर आ रहा हो, काफ़ी लाइट में पिक्चर आ रहा हो, तो उस स्थिति में पावर सप्लाई पर लोड ज़्यादा पड़ता है। तो कभी कभी आप देखिएगा कि आपको टेलीविज़न में क्या होता है कि आवाज़ के साथ पिक्चर का फैलना और सिकुड़ना एक फॉल्ट होता है, जो कि हमने जो है पावर सप्लाई का टॉप 10 फॉल्ट्स में जो है इसके बारे में जो है मैंने जो है जिक्र किया था कि टेलीविज़न में एक ऐसा फॉल्ट होता है कि आवाज़ के साथ पिक्चर का फैलना और सिकुड़ना। तो ये क्यों क्यों होता है? तो ये जो है कई कारणों से होता है। पहला ये, अब यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई जो है बहुत ही अगर कम हो जाए, घट जाए, तो उस स्थिति में यहाँ का जब सप्लाई जब कम हो जाता है, पावर सप्लाई में दिया जाने वाला सप्लाई कम हो जाता है, तो पावर सप्लाई सही रूप से लोड जो है ये टेलीविज़न सेट का नहीं ले पाता है, और जिसके कारण जो है आवाज़ या लाइट के साथ जो है पिक्चर का फैलना और सिकुड़ने का फॉल्ट आ जाता है। पहला स्क्रीन जो है देखिएगा कि स्क्रीन का जो है लाइट जो है घटेगा बढ़ेगा, तो ये पहला फॉल्ट होता है कि एसी वोल्ट अगर कम दीजिएगा तब। दूसरा क्या होता है कि आपको पावर सप्लाई के आउटपुट से वोल्टेज निकलना चाहिए। पावर सप्लाई के आउटपुट से विभिन्न प्रकार का वोल्ट निकलता है, फिक्स वोल्ट निकलता है, 110 वोल्ट निकाला जाता है, 24 वोल्ट निकाला जाता है, और इसके बाद जो है 18 वोल्ट 12 वोल्ट की सप्लाई निकलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर सप्लाई में फॉल्ट हो जाने की स्थिति में क्या होता है कि वोल्टेज जो है या तो ज़्यादा निकलने लगता है या कम निकलने लगता है। तो अगर कम निकलता है, तो अगर वोल्टेज अगर कम हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो है पावर सप्लाई सही रूप से टेलीविज़न में का लोड जो है नहीं ले पाता है, और जिसके कारण आवाज़ के साथ पिक्चर का फैलना और सिकुड़ने का फॉल्ट हो जाता है। तो पहला फॉल्ट कि एसी 220 वोल्ट अगर कम देते हैं तो आपका प्रकाश और आवाज़ जो है आवाज़ के साथ पिक्चर का फैलना और सिकुड़ने का फॉल्ट हो जाएगा, स्क्रीन का लाइट देखिएगा घटेगा और बढ़ेगा। और दूसरा क्या कि पावर सप्लाई का आउटपुट से अगर वोल्टेज सही नहीं निकलेगा तो उस स्थिति में आपका आवाज़ के साथ पिक्चर का फैलना और सिकुड़ना। और क्या होता है कि कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत से मैकेनिक क्या करते हैं कि पावर सप्लाई को सही रूप से रिपेयरिंग नहीं करके क्या करते हैं, मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं। तो मॉड्यूल में कुछ घटिया किस्म के मॉड्यूल ऐसे होते हैं कि पावर सप्लाई के लोड को, जो पावर सप्लाई पर जो लोड पड़ता है वो लोड को सही रूप से जो है वो सह नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आवाज़ और लाइट का अपने आप जो है घटना और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आवाज़ अगर ज़्यादा कर देते हैं तो पिक्चर जो स्क्रीन जो का जो लाइट होता है वो घटता बढ़ता है, यानी कि जो है पिक्चर और जो है आपका लाइट जो है फैलना और सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और आवाज़ भी आपका अप डाउन करने लगता है। तो मॉड्यूल अगर लगा देते हैं, मॉड्यूल अगर सही क्वालिटी का नहीं लगाएंगे, सही रूप से मॉड्यूल नहीं लगाएंगे, तो ये फॉल्ट होता है। पावर सप्लाई का आउटपुट से वोल्टेज सही नहीं निकलता है तो भी फॉल्ट होता है। तो इसके अलावे क्या होता है कि ये जो लगाया जाता है एनटीसी, ये क्या करता है कि अगर लोड अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए पावर सप्लाई लोड बढ़ गया, तो पावर सप्लाई का लोड बढ़ेगा तो इसके जो वोल्टेज 220 वोल्ट देते हैं वो 220 वोल्ट जो है एनटीसी से होते हुए पावर सप्लाई में जाता है, 220 वोल्ट देते हैं एसी फ्यूज के द्वारा होते हुए लाइन ट्रांसफार्मर को जाता है, लाइन ट्रांसफार्मर से निकल करके एनटीसी से होते हुए डायोड में चला जाता है, और डायोड से होते हुए फिल्ट्रेशन होते हुए पावर सप्लाई को दिया जाता है 220 वोल्ट की सप्लाई। तो अगर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस स्थिति में ये जो एनटीसी है वो हीट होता है, एनटीसी गर्म हो जाता है।
जब लोड बढ़ता है तो यह गर्म हो जाता है, जब गर्म होता है तो क्या होता है कि इसका वैल्यू घट जाता है, और घट जाता है तो यह वोल्टेज ज़्यादा देने लगता है पावर सप्लाई को। यानी कि लोड की स्थिति में जब लोड पड़ता है तो यह हीट होता है, और जब हीट होगा तो क्या होगा कि जब हीट होता है तो यह वोल्टेज ज़्यादा देगा, और जब ज़्यादा देगा तो लोड की स्थिति में वोल्टेज बढ़ा देता है, और लोड अगर कम रहता है तो यह ठंडा होगा, और जब ठंडा रहेगा तो यह वोल्टेज घटा देता है। तो इस प्रकार से लोड की स्थिति में वोल्टेज को, पावर सप्लाई के वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, और लोड अगर कम होता है तो वोल्टेज घटाने काम करता है। इस प्रकार से वोल्टेज को ये क्या करता है, एक प्रकार से स्टेबलाइज करने का, पावर सप्लाई के वोल्टेज को स्टेबलाइज करने का काम करता है। और इस प्रकार से आपका जो है क्या होता है कि टेलीविजन के स्क्रीन पर आपका पिक्चर जो है आपका फिक्स प्राप्त होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि पिक्चर जो है और लाइट जो है हमेशा जो है घटते और बढ़ते रहे, और इसके अलावा आवाज़ जो है कम और ज़्यादा हो। तो ये सब दोष को दूर करने के लिए है यहाँ पर लगाते हैं। तो ये ख़राब हो जाता है एनटीसी, तो इसमें कौन कौन से फॉल्ट होंगे? तो पहला फॉल्ट ये होगा कि अगर ये फॉल्टी हो जाएगा तो उस स्थिति में आवाज़ के साथ पिक्चर का फैलना और सिकुड़ना, लाइट का फैलना और सिकुड़ना, पहला फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट कि अगर ये ओपन हो जाएगा, ओपन कब मानेंगे, जब इसको मल्टीमीटर के द्वारा कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, यहाँ पर जो ऐसे यहाँ से ऐसे चेक किए कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, अगर यह कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा तो मानेंगे ओपन। जब ओपन हो जाएगा तो उस स्थिति में आपको पावर सप्लाई डेड हो जाएगा, यानी पावर सप्लाई को वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, और जब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो यहाँ से वोल्टेज निकलना बंद हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा तो ये हो जाता है, और ये ख़राब हो जाएगा। तो ये ख़राब की जांच हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो है फुल कंटिन्यू, यहाँ पर यहाँ देखेंगे कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, और इसको हीट करके इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि यह जो है सही है कि नहीं है। तो अगर ऐसा फॉल्ट आपको जो टेलीविजन सेट में देखने को मिले कि आवाज़ के साथ पिक्चर और लाइट का फैलना और सिकुड़ना, तो उस स्थिति में एनटीसी भी आपका ख़राब हो सकता है। इसके अलावा यहाँ अगर मॉड्यूल लगा होगा तो मॉड्यूल फॉल्टी हो सकता है, एसी 220 वोल्ट कम मिलेगा तो भी जो है इस फॉल्ट हो सकता है, या पावर सप्लाई के आउटपुट से जो है वोल्टेज अगर कम निकलता है तो भी यह दोष होता है। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।